अब मैं उस विषय पर आता हूं जिस विषय पर मैंने आप सारे साथियों को यहां पर बुलाया है। लगभग एक हफ्ता पहले बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख आदरणीय बहन जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहां तक मेरी जानकारी है संभवतः दिल्ली में ही, वो बुलाई थी। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो हिस्सा लगभग 13 मिनट का है, हमने भी देखा और सुना, और उसके बाद ही हमें यह प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी पड़ी। जो बातें उन्होंने उसमें कही हैं, हमें उन बातों पर गंभीर आपत्ति। उन्होंने दो संगठनों का विशेष रूप से नाम लिया, लेकिन उसके अलावा बहुजन समाज में काम करने वाले अन्य सभी संगठनों को भी उन्होंने उसी कैटेगरी में रख दिया, और उन्होंने उन पर बड़े गंभीर आरोप लगाए कि ये बहुजन समाज पार्टी की जो विरोधी पार्टियां हैं उनके हाथों में खेल रहे हैं, ये स्वार्थी हैं, लालची लोग हैं, और ये बहुजन समाज पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्होंने यहां तक भी कहा कि जो आने वाला 2019 का लोकसभा का चुनाव है, ये संगठन लोकसभा चुनाव में बीएसपी की विरोधी पार्टियों के कहने पर, बल्कि उनके अनुसार ही कैंडिडेट उतारेंगे, जिससे बहुजन समाज की जो अपनी पार्टी है उसको नुकसान पहुंचेगा। इस पर हमें बहुत गंभीर आपत्ति। मैं आपको सबसे पहले कोशिश करता हूं आप तक आवाज पहुंचे कि जो माननीय बहन जी ने कहा है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक छोटा सा हिस्सा आपके सामने मैं रखना चाहता हूं, जिससे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, और उसके बाद एक एक करके हम अपनी बात रखेंगे, और फिर आपके सभी सवालों का हम पूरी ईमानदारी से जवाब देने का प्रयास करेंगे। मैं ये वीडियो है आदि जैसे अनेकों गुमनामों से बनवाए गए इन स्वार्थी बिकाऊ बीएसपी विरोधी संगठनों को चलाने वाले ये लोग अपने प्रोग्राम को करने या उसमें भीड़ को जुटाने के लिए विशेषकर दलित बस्तियों में जाकर हमारी पार्टी के भोले वाले लोगों को ये कहकर मैं उसकी याद नहीं अपनी रोटी रोटी का धंधा चला रहे हैं। ये आप सारा जानते हैं, इसमें पूरा डिटेल में है, और ये पूरा वीडियो 13 मिनट 6 सेकंड का है। तो इसमें बहन जी ने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं बहुजन समाज के सभी संगठनों पर कि ये विरोधी पार्टियों के हाथ में खेलने वाले बिकाऊ और स्वार्थी संगठन बहुजन समाज पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मेरा बहुत सीधा सा ये कहना है कि क्या माननीय बहन जी अपने आप को इस समाज का एकमात्र नेता मानती हैं? कोई और इस देश में बहुजन समाज का कोई नेता नहीं है, या बहुजन समाज के जो और विभिन्न संगठन अपने अपने स्तर पर समाज की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, क्या उन संगठनों का, उन लोगों का, उन सामाजिक और राजनीतिक समर्पित कार्यकर्ताओं का कोई महत्व नहीं है? क्या माना जाए कि माननीय बहन जी अपने आप को एकमात्र इस बहुजन समाज का ठेकेदार मान रही है? अगर ऐसी बात है तो माने, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या उनके जो पीछे किए गए कार्य हैं वो इस बात को सही सिद्ध करते हैं कि माननीय बहन जी ही समाज के लिए सब कुछ कर रहे हैं और बाकी कोई नहीं कर रहा? या माननीय साहब काशीराम जी का जो मिशन था उस मिशन को उन्होंने पूरी ईमानदारी से पूरा किया है? मैं बहुत विश्वास के साथ कह सकता हूं, और पूरा बहुजन समाज इस बात को जानता है कि जो मिशन माननीय साहब काशीराम जी का था और जो मिशन शुरू हुआ
महात्मा ज्योतिबा फुले जी से, शाहू जी महाराज जी से, परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी से, और जिसे लेकर मानवर साहब काशीराम जी आगे चले और पूरे बहुजन समाज को इकट्ठा करने का जो उन्होंने जीवन भर प्रयास किया, क्या आज मान्य बहन जी को वो याद भी है? यह मानवर साहब काशीराम जी की आंखें बंद होते ही वो इस मिशन को भूल चुकी हैं। मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि आज उन्हें जो बहुजन मिशन है वो याद नहीं है, और वो बेवजह जो भी संगठन समाज के लिए काम कर रहे हैं, सभी संगठनों को एक ही कैटेगरी में रखकर जो आरोप लगा रही हैं वो ठीक नहीं है। वो सारे के सारे आरोप बेबुनियाद हैं, गलत है। क्या ये माना जाए कि अगर बीएसपी पार्टी है तो उसके अलावा बहुजन समाज की कोई और पार्टी नहीं बन सकती, कोई और संगठन नहीं बन सकता, कोई और व्यक्ति काम नहीं कर सकता? चलिए अगर एक बार कोई मान लेते हैं, और बहन जी अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह भी रही हैं कि भाई इन लोगों को अपने संगठन ना बना के बहुजन समाज पार्टी में ही काम करना चाहिए था, तो क्या कभी माननीय बहन जी ने अपने तमाम जीवन काल में बहुजन समाज के ईमानदार, कर्मठ, योग्य व्यक्तियों को नौता दिया है या इन संगठनों को नौता दिया है कि आप आइए और हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के बहुजन समाज के लिए काम कीजिए? आप भी जानते हैं, मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहता हूं, ऐसा कभी नहीं हुआ। अगर ऐसा होता तो समाज में जो संगठन काम कर रहे हैं ना तो उन्हें संगठन बनाने की जरूरत पड़ती और ना ही वो काम से कतराते। अगर मैं गलत नहीं हूं तो यह बात सही है, बिल्कुल सही सिद्ध भी होती है कि मान्यवर साहब काशीराम जी की आंखें बंद होते ही जो हजारों लाखों की संख्या में समर्पित कार्यकर्ता थे साहब के रहते हुए, वो आज कहां है बीएसपी में? उनकी जगह कहां है आज? उनमें से कोई दिखाई क्यों नहीं देता? क्या वो सारे लोग बेईमान थे? क्या वो सारे लोग काम नहीं करते थे, समाज के प्रति ईमानदार नहीं थे? वो सारे के सारे लोग ईमानदार थे, योग्य थे, समाज के लिए पूरी तरह समर्पित थे, लेकिन माननीय बहन जी की नीतियों के कारण वो सारे के सारे लोग दरकिनार कर दिए गए, किनारे लगा दिए। केवल यही बात नहीं है, अगर हम देखें तो जो महापुरुषों के विषय में भी उन्होंने जिस तरह से नीति अपनाई बहन जी ने, मैं कह सकता हूं कि वो भी बहुजन समाज उसे स्वीकार नहीं करेगा। एक उदाहरण इसके लिए मैं देता हूं, मानवर साहब काशीराम जी जब उनका शरीर यहां पर जीवित था तो लखनऊ में पहली बार जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार जीत कर आई तो ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार जी का पेरियार मेला 3 दिन तक मनाया गया था, 3 दिन तक पेरियार मेला। लेकिन अगर आज आप देखें तो बहुजन समाज पार्टी के झंडे पर, उस बहुजन समाज पार्टी के पोस्टरों पर, उसके बैनरों पर, होर्डिंग्स पर कहीं भी ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार जी का फोटो भी नहीं है। कैसे गायब हो गए वो फोटो? जो 6 फोटो हुआ करते थे साहब के बाद में, साहब के जाने के बाद केवल 5 रह गए, और केवल हटाया किसका? ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार जी। पेरियार जी का क्यों हटाया? क्योंकि उन्होंने दक्षिण भारत में ब्राह्मणों के खिलाफ स्वाभिमान आंदोलन चलाया, आत्मसम्मान आंदोलन चलाया, ब्राह्मण कम्युनिटी के खिलाफ, ब्राह्मणवाद के खिलाफ। और अब मान्यवर साहब काशीराम जी के जाने के बाद बहुजन समाज पार्टी में मान्य बहन जी के बाद या उनके साथ साथ अगर कोई मुखिया है तो यही ब्राह्मणवादी समाज के लोग हैं, यही सतीश चंद्र मिश्रा और उनके जो ब्राह्मणवादी साथी हैं, यही सारा का सारा निर्णय लेते हैं, काम कर रहे हैं। तो क्योंकि ब्राह्मण समाज के खिलाफ नाराज उन्होंने जो है आंदोलन किया, इसलिए ईवी रामास्वामी नायकर जी का फोटो हटा दिया गया, क्योंकि ब्राह्मणों की एंट्री होगी। और यही बात नहीं साथियों, जो साहब के समय से चला था तिलक तराजू वाला नारा, वो कहां पहुंच गया साथी? आज वो नारा है हाथी नहीं गणेश है, और ब्रह्मा विष्णु महेश है। ब्रह्मा विष्णु महेश है कौन? ब्रह्मा विष्णु महेश
अगर परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को अगर हम देखें तो उनकी पहली प्रतिज्ञा में यह है कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को न तो ईश्वर मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। लेकिन आज बीएसपी का नारा है कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। ये यही रुक जाता शाम को बात होती, ये और आगे चला और ये नारा बदल के आगे क्या हो गया, ब्राह्मण शंख बजाएगा हाथी बढ़ता जाएगा। और आप देख ही सके हैं, सबके सामने है हाथी कितना आगे बढ़ गया। जो राष्ट्रीय पार्टी थी और साहब के जीवन काल में ही मात्र 12 साल में तीसरी राष्ट्रीय पार्टी इस देश में बन गई, आज वो किस कगार पे है। 2014 के चुनाव उनका परिणाम आपके सामने है कि पार्टी का एक भी लोकसभा प्रत्याशी जीतकर नहीं आया, इतनी आगे पार्टी बन गई। धीरे धीरे बाकी सब जगह से भी पार्टी का पतन होता चला जा रहा है और हालात यह है कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छिनने के कगार पर है, खत्म होने के कगार पर है। तो क्या यह तरक्की है? क्या बहुजन समाज यही चाहता था? इसी बात के लिए माननीय साहब काशीराम जी ने पार्टी बनाई थी। इसके अलावा साथियों एक बात और आप ध्यान से देखें, इन सब चीजों के साथ साथ कि पार्टी में लगातार साहब के जाने के बाद ब्राह्मणों का वर्चस्व बढ़ा। लोग तो कहते हैं, मैंने भी सुना है, आपने भी सुना होगा, बहुजन समाज पार्टी या बहुजन समाज पार्टी नहीं है, ब्राह्मण समाज पार्टी हो गई। इसका एक नजारा, एक उदाहरण आप 2-3 बातों से मैं आपके सामने रखूंगा, आप समझ जाएंगे बहुत अच्छी तरह से कि कैसे वो ब्राह्मण समाज पार्टी हो गई। 2007 से लेकर 2012 तक उत्तर प्रदेश में जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार पूरे बहुमत के साथ रही तो उसमें हर जगह ब्राह्मणों का बोलबाला था। शुरू से लेता हूं मैं, 2007 में जब टिकट दिए गए, टिकट बांटे गए तो ब्राह्मण समाज को 94 टिकट दिए गए, 94। और साहब का नारा है जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, मानवर साहब काशीराम जी का यही नारा है। तो अगर हम उनकी बात को, हम उन्हीं के मिशन को लेकर चल रहे हैं, उनकी बात को अगर हम मान लें तो भाई जितने ब्राह्मणों की आबादी है आप उसके हिसाब से उन्हें टिकट दे दीजिए, न्याय हो जाएगा। और हम अपने जो हमारे नायक हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, हमारे मुखिया हैं, हम उनका सम्मान करते हुए उनके आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। तो उत्तर प्रदेश में जो ब्राह्मण समाज की आबादी है वो मात्र 8-8.5% है। तो 8-8.5% के हिसाब से कितने टिकट मिलने चाहिए उन्हें, कितने मिलने चाहिए थे? ज्यादा से ज्यादा 8-32, क्योंकि 403 विधानसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, तो 8-32, 32 नहीं आप 35 उन्हें टिकट दे देते। लेकिन आपने टिकट दिए उन्हें कितने, 94। मतलब यह है कि 27% से भी ज्यादा आपने उनको टिकट दिए। जो वहां का दलित समाज है या अनुसूचित जाति समाज है उसकी आबादी कितनी है साथियों, 22%। और 2007 में वहां पर जो अनुसूचित जाति के लिए सीटें रिजर्व थी वो थी 89 यानी 89। उन 89 सीटों के एवज में आपने बहुजन समाज के यानी दलित समाज के जो लोग हैं उनको कितने टिकट दिए, 93 यानी केवल 4 टिकट ज्यादा। भाई 89 तो हमें मिल नहीं थे, कोई भी पार्टी है वो तो उतना देगी ही देगी, आपने क्या दिया? आप देश की नेता हैं, समाज की नेता बनने का आप दावा कर रही, आपने क्या दिया? नतीजा यह है आपके सामने कि उनको मात्र 4 टिकट आपने फालतू दिए, उनको 27% यानी 3 गुना से ज्यादा, और इनको मात्र 4 टिकट फालतू। इसके अलावा साथियों जब 2014 का चुनाव आया, लोकसभा चुनाव, तो ब्राह्मण समाज को आपने कितने टिकट दिए लोकसभा में, यह सारा का सारा रिकॉर्ड है। आप उस समय के सारे इलेक्शन कमीशन से सारे डाटा ले सकते हैं, कोई ऐसी चीज नहीं है कि छुपी हुई हो। तो आपने टिकट दिया उनको 21 टिकट दिया आपने, फिर लगभग 3 गुना टिकट मिलने कितने चाहिए थे, ज्यादा से ज्यादा उन्हें 8 टिकट मिलने चाहिए थे, 9 टिकट मिलने चाहिए, लेकिन आपने 21 टिकट दिए। और जो समाज आपके साथ खड़ा रहा, जो आपकी रीढ़ रहा,
जिसने सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी, दलित समाज में भी एक विशेष समाज ने आपके लिए जितनी कुर्बानियां दी, जितना बलिदान दिया, जितना समर्पण किया आपके लिए पार्टी के लिए, उन्हें आपने कितने टिकट दिए ये जरा उठा के देखें साथियों। तो ये सारी चीजें ये इंगित करती हैं कि क्या माननीय बहन जी जैसा दावा कर रही हैं वाकई में बहुजन समाज की सच्ची हितैषी हैं। केवल यही नहीं, आप देखेंगे कि हर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में अपने वकील नियुक्त करती है। जो इन्होंने हाई कोर्ट में वकील नियुक्त किए टोटल 875 के लगभग इन्होंने टोटल वकील नियुक्त किए, उन 875 में पता है 650 के लगभग मात्र ब्राह्मण समाज के लोग थे। मतलब ये नहीं कि सवर्ण में भी और लोग हों, मात्र ब्राह्मण समाज के लोग थे। तो ये सारी चीजें तो यही सिद्ध करती है ना कि ये पार्टी बहुजन समाज पार्टी नहीं है, ये ब्राह्मण समाज पार्टी है। तरक्की किसकी कर रहे हैं आप? अगर टिकट 27% उस कम्युनिटी की दर है जिसकी मात्र 8 या 9% आबादी है, तो तरक्की किसकी हो रही है, बहुजन समाज की या ब्राह्मण समाज की? अब इसके आगे में और बात जिसमें मुझे घोर आपत्ति है, मैंने अपने फेसबुक में भी ये बात कही है कि माननीय बहन जी ने आगे इसमें यह कहा है कि ये जो संगठन हैं ये इस तरह का काम कर रहे हैं जिससे ये जो सवर्ण सवर्ण नहीं कहा उन्होंने कहा कि अपर कास्ट के लोग जो बहुजन समाज पार्टी के साथ तेजी से जुड़ रहे हैं, जिनको जोड़ने में उन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत प्रयास किया, तो वो सवर्ण समाज के लोग भी इनकी ये जो संगठन उनके खिलाफ नफरत फैला रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ने में उसको दिक्कत आ रही है। तो इसलिए इन संगठनों को किसी भी हालत में किसी तरह की सपोर्ट ना करें, उन्हें चंदा ना दें, और ना ही अगर उनके कैंडिडेट खड़े हो तो वोट दें। इस पूरे वीडियो में जो 13 मिनट 6 सेकंड का है, बहन जी ने 7 बार अपर कास्ट इस्तेमाल किया। मैं मानता हूं साथियों, जो परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब का और हमारे महापुरुषों का मिशन जानता है, वो अपर कास्ट शब्द यूज नहीं करेगा, क्योंकि अगर आपने अपर कास्ट यूज किया तो आप अपने आप को नीचा तो पहले ही मान रहे हैं, और अगर नेता के मुंह से ये शब्द आएंगे तो समाज पे क्या प्रभाव पड़ेगा इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। और परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब ने कभी भी अपर कास्ट शब्द यूज नहीं किया, उन्होंने यूज किया सवर्ण। सवर्ण, सवर्ण का मतलब है कि जो एक ही तरह के वर्ण में आते हैं, और सवर्ण शब्द इस पूरे भारतीय साहित्य में, भारतीय इतिहास में केवल 3 के लिए इस्तेमाल होता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य यानी बनिया, इन 3 के लिए सवर्ण शब्द इस्तेमाल होता है, और आप अपर कास्ट कह रहे हैं। आप उसी अपर कास्ट को साथ में जोड़ रहे हैं, आपको उन्हीं की चिंता है जिस अपर कास्ट के लोगों ने इस 2 अप्रैल 2018 को जब बहुजन समाज के लोगों ने जो एससी एसटी एक्ट है सुप्रीम कोर्ट ने जिसको लगभग मुर्दा बना दिया था, उस एससी एक्ट के खिलाफ भारत बंद किया, और इसी अपर कास्ट के लोगों ने उसी भारत बंद में हमारे साथियों के साथ घुसकर उस दंगे करवाए, और उसमें लगभग 20 साथी हमारे मारे गए, नौजवान साथी मारे गए, हमारे बहुजन समाज के नौजवान साथी मारे गए। और ये इतना ही नहीं, जो साथी मारे गए उसके अलावा जो हुआ, सैकड़ों एफआईआर हुई, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, दिल्ली हो, सैकड़ों की तादाद में एफआईआर हुई, हजारों लोग जेल में बंद रहे, महीनों जेल में बंद रहे, उनकी बेल तक नहीं हुई, और आज भी बंद हैं। उसी अपर कास्ट को आप अपने साथ में लेना चाह रहे हैं ना, उसकी आपको इतनी चिंता है, बहुजन समाज की नहीं। तो ये जो सारी चीजें हैं, इन सारी चीजों को देखते हुए हमारा जो माननीय बहन जी का विरोध है, माननीय बहन जी का जो कहना है, उस पर हमें घोर आपत्ति है। हम इसका पुरजोर शब्दों में विरोध करते हैं, और माननीय बहन जी से ये निवेदन करते हैं कि अपने शब्द वापस लें। समाज को दलाल बताने का
समाज को स्वार्थी बताने का, सामाजिक संगठनों को अपने हित में काम करने और बहुजन समाज और बहुजन पार्टी के विरोध में काम करने का जो उन्होंने आरोप लगाया है वो गलत है, उसे वापस लें। बस साथियों, मैंने आपसे इसीलिए ये बात कहने के लिए बुलाया। अब आप जो भी साथी जो भी सवाल पूछना चाहें आप पूछें, आप स्वतंत्र हैं। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि उस आपके सवालों का पूरी ईमानदारी से जवाब दिया जाए।